एमजी ने हाल ही में अपनी एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी शेयर किया है, जो एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है टू डोर वाली कॉमेट के जैसा। असल में वो चाइना का ही एक कंपनी है बाओजुन, उसी की गाड़ी है बाओजुन येप, उसे रिबैच करके ला सकता है इंडियन फोर व्हीलर मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पहले ही बता दूँ, ये अभी तक कन्फर्म नहीं है कि ये गाड़ी इंडिया आएगा कि नहीं, अगर आएगा तो कब तक। अगर आपके मन में इंटरेस्ट है इस गाड़ी को लेकर तो आप देख सकते हो पूरा वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो इसमें 28.1 किलोवाट की बैटरी दिया गया है, जो लगभग 68 हॉर्स पावर और 140 एनएम ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। इस बैटरी के साथ 303 किलोमीटर की रेंज क्लेम किया गया है। अब आते हैं डायमेंशंस में। तो इसकी लेंथ है 3381 mm, वेथ है 1685 mm, हाइट है 1721 mm और व्हील बेस है 2110 mm। इस गाड़ी में 15 इंच का एलॉय व्हील दिया गया है और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलता है, वो है टेल गेट में एलसीडी स्क्रीन। अभी देखना यह है कि ये स्क्रीन काम कैसे करता है, मतलब दिखता क्या है इस वाले स्क्रीन में। इंटीरियर में कॉमेट की तरह डुअल स्क्रीन दिया गया है 10.25 इंच का, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। उसी के साथ आपको बैटरी टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, हीटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, 4 USB पोर्ट्स दिया गया है। बात करें इसके टॉप वेरिएंट्स की, तो इसमें एडास जैसे एडवांस फीचर्स मिलने वाला है, उसके साथ लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन की असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट जैसे और भी बहुत से एडवांस फीचर्स मिलने वाला है। बस यही तक रिवील किया कंपनी ने इस गाड़ी के बारे में। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो MG एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडियन मार्केट में ला सकता है जो कॉमेट से बड़ी है, चौड़ी है, ऊंची भी है और कॉमेट के ऊपर वाले सेगमेंट में टक्कर दे सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।